सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के बेमेतरा विधानसभा अंतर्गत बेरला ब्लॉक के रांका कठिया व विकासखंड देवर बीचा में भेंट मुलाकात करने पहुंचे और वहीं भाजपाइयों ने सीएम भूपेश को काला झंडा दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। बता दें देवर बीचा में भाजपाइयों ने बीच रोड में बैठकर सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी और उनके सैकड़ों साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बेमेतरा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल सहित सैकड़ों साथी रोड में बैठकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं पुलिस प्रशासन भाजपाइयों को नारेबाजी से रोकने में लगी हुई थी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में छत्तीसगढ़ में चल रहे शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, राशन कार्ड, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट गौठान, राजीव गांधी न्याय योजना जैसे अनेकों योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण जंगल हमारे घोषणा करो तो काम करें। इन चार वर्षों में बहुत कुछ काम किया है, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है और लगातार जो आम जनता से जो डिमांड आती है वो स्वामी आत्मानंद रेडी स्कूल की और दूसरा केंद्र सहकारी बैंक की शाखा खोलने की डिमांड लगातार किसानों के द्वारा ग्रामीण जनों के द्वारा किया जा रहा है। ये बताता है कि लोग शिक्षा के प्रति और दूसरा अब जो आय में वृद्धि हुई है तो बैंकिंग से लोग जुड़ रहे हैं, वो जबरदस्त इसका रुझानपुर बस्तर हो, सरगुजा हो, मैदानी सब सब जगह देखने को मिल रहा है। तो लगातार जीवन में जो परिवर्तन आया है वो हम लोगों ने देखा है।